सिस्टर रैना और रिजॉयस जो भोपाल से हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। उसके पहले वो आपके गीत गान करके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इस समय मैं स्वागत करती हूँ रैना और रिजॉयस को प्रभु की महिमा के लिए गीत गाकर सेवकाई करें। आराधना करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे, हाथों को ढाके धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकार को उसकी याद करे, हाथों को ढाके धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई, संभाला मुझे अपने हाथों में, संभाला मुझे अपने हाथों में, मुझे कोई चिंता नहीं, संभाला मुझे अपने हाथों में, संभाला मुझे अपने हाथों में, मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया हालेलुया आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूं सारे काम, शक्ति मुझे ऐसी दे। सजा रहूं आत्मा की नदी में, सजा रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। सजा रहूं आत्मा की नदी में, सजा रहूं आत्मा की नदी में, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू रिजॉयस एंड रैना। आपके भाव फ्यूचर अनुग्रह होने पाए, माता पिता आशीषित पाने पाए, आपकी कलिसिया अनुग्रह पाने पाए, भोपाल में
जो भी आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं उस समय मैं परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड अभी हम वचन से सुनेंगे, वचन से सुनने का अवसर है। डॉक्टर फिलेमन चरियन आज हमारे मध्य मुंबई से है। इस समय डॉक्टर फिलेमन चरियन को वचन के लिए वचन घोषणा के लिए लाइन में स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर प्रेज के द नाम लॉर्ड। की बहुत स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक फिर से मौका दिया है। लॉकडाउन के बीच में भी परमेश्वर हमने से हर एक जन को किस तरह से यूज कर रहा है। और यू नो मैं गए दिन में शिबू पास्टर शिबू थॉमस पास्टर का जो आईपीसी हेब्रॉन के ओक्लाहोमा के जो पासवान है वो पास्टर का मैं प्रचार सुन रहा था, जिसमें पास्टर साहब ने एक बात बस मैंने छोटा सा एक क्लिप देखा जिसमें पास्टर साहब सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि यू नो परमेश्वर का वचन जो पढ़ता है वो कभी भी ना बलहीन नहीं होता है। चाहे हमारा बाहर का शरीर बलहीन होते रहे, हम वीक होते रहे, लेकिन अंदर का जो शरीर, अंदर का जो आत्मिक शरीर है वो हमेशा रिन्यू होते रहता है परमेश्वर के वचन में। वो जो बात है मुझे इतना अच्छा लगा कि परमेश्वर सही बात है ना। इस लॉकडाउन के बीच में हम सब देख रहे हैं दुनिया के लोग इतना हड़बड़ी में टेंशन होके इधर उधर टेंशन लेके चल रहे हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। हम में से हर एक जन को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जो विश्वास को, हमारे अंदर का जो पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर का जो बिलीव है, हमारे अंदर का जो होप है, आशा है, उसे परमेश्वर दिन बर दिन रिन्यू करते हुए और भी आशीष की ओर लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम मुझे पता है कि हमें से हर एक जन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रेशर परेशान है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर कहता है कि इस दुनियादारी चीजों पे नजर मत रखो, जो एटर्नल है, अनंत काल की जिंदगी है, उस के लिए नजर रखते हुए जब हम चलेंगे तो ये सब चीजों को परमेश्वर हमारे जिंदगी में नॉर्मल करके देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें से हर एक जन परमेश्वर उसके लिए बहुत एग्जांपल्स भी लेता है। परमेश्वर ने बाइबल में एक जगह में ऐसा भी कहा है कि तुम भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें से हर एक जन अभी के सिचुएशन में हम लोग सब डरे पड़े, प्रॉपर्टीज के लिए डरे हुए, जॉब के लिए डरे हुए कि पता नहीं कल के दिन में अगर यही लॉकडाउन शुरू रहेगा तो क्या हमारे पास जॉब रहेगा, क्या हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट रखा है वो रहेगा, जो सेविंग्स किया है वो खत्म हो जाएगा। प्राइस लॉर्ड। हम ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा कि हमारे पास जो कुछ है उसे भेजना पड़ेगा। प्राइस लॉर्ड। हमारे पास जो कुछ आशीष है वो सब भेजना पड़ेगा। क्या ऐसा कंडीशन हमारे जो दिमाग में आया है, परमेश्वर क्या कहता है, तुम भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हवाओं में उड़ने वाले पक्षियों को भी, जिसने कभी खाना इकट्ठा नहीं किया है, जिसने कभी कोई सेविंग्स नहीं किया है, जिसने कभी किसी चीज को ऐड या माइनस उनके जिंदगी में नहीं किया है, उनको भी परमेश्वर सुरक्षित रूप में चलाता है, चराता है। तो हम जैसे लोग जो परमेश्वर की स्तुति आराधना दिन रात करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर में पूरी तरह अपना विश्वास रखते हैं, उन्हें आपको लगता है कि परमेश्वर अकेला छोड़ देगा? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में मैथ्यू में लिखा गया है, इस दुनियादारी पापी पिता अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकता है तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे कितना ज्यादा प्यार कर सकता है। जस्ट इमेजिन करो, हमें हर एक जन जब हमारा एक छोटा बच्चा होता है तो हम उससे सबसे बेस्ट चीज देने की कोशिश करते हैं, हम उसे सबसे बेस्ट प्यारा जो भी वो मांगता है उसको सबसे प्यारा चीज उसे लेके देने की कोशिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा परमेश्वर जो हमसे अनंत काल का प्यार करता है और जो चाहता है कि हम में से कोई भी नाश ना हो बल्कि अनंत काल की जिंदगी पाए, वो कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज हमारे दिमाग में याद रखना है। उसके बारे में लिखा गया है मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय में उसके 25 से आगे की ओर, मैथ्यू चैप्टर 6:25 onwards till 34, इट सेज डू नॉट वरी
वो कहता है भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। खाने का टेंशन लेना है, क्यों टेंशन लेना है? प्रेज लॉर्ड। क्या पहनोगे टेंशन लेना है, नहीं लेने का है। क्यों तुम लोग चाहे तुम लोग कुछ भोज बीज बो या नहीं बो, तुम्हें जो मिलना है वो मिलके रहेगा अगर तुम प्रार्थना के साथ में रहते हो तो। प्रेज लॉर्ड। ये शुरू होने से पहले मैं आप लोग में से हर एक जन से कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह दुनिया में था ना, परमेश्वर ने हर एक जन को यही कहा कि विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। अंधा आया, उसे कहा क्या तुम विश्वास करते हो? लेपर आया उसके सामने, कोढ़ की बीमारी वाला इंसान आया, क्या तुम विश्वास करते हो? अमीर इंसान उसके उसके घर के जो सेवक है उसके लिए जब उसके पास में आया, यीशु मसीह के पास में, उसने कहा क्या तुम विश्वास करते हो? प्रेज द लॉर्ड। जो लोग यीशु मसीह के पास में आते थे, जब शिष्यों को चुनने का वक्त आया, शिष्यों के किसी ने अगर डाउट पूछा तो उनसे बोलते थे क्या तुम विश्वास करते हो? तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम मरे हुए इंसान से नहीं बल्कि जिंदा हुए इंसानों को पकड़ने वाले इंसान बन जाओगे। तुम जिंदा हुआ इंसान से बात करोगे, तुम शैतानों को निकालने वाले, बीमारियों से छुटकारा देने वाले, अन्य भाषाओं को देने वाले इंसान बनोगे करके कहते हुए परमेश्वर हर एक दिन से मुसीब चीज कह रहा है क्या तुम विश्वास करते हो? क्या प्रेज लॉर्ड। आज इस वक्त में जब हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आके बैठा है कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर पे डाउट करने लायक एक सिचुएशन खड़ा है, इस डाउट करने वाले सिचुएशन में भी अगर हम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, मैं आप पूरी तरह विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर सिर्फ आपके द्वारा मैं आशीष प्राप्त कर सकता हूँ, करके हम कहेंगे ना तो परमेश्वर कहता है कपड़े के बारे में टेंशन मत ले, खाने के बारे में टेंशन मत ले, तेरे पास क्या क्या आशीष पड़ा है उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पास क्या क्या आशीष पड़ा है उसके बारे में कुछ टेंशन लेना, बट तुम्हें क्या, आपको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। हमें ये चीज करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करते वक्त हमें पूरे एक 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 पूरे अथॉरिटी के साथ में प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के द्वारा ही हम कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको जो रिवार्ड मिलेगा उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग ने अपने रूम में बैठकर, बंद कमरे में बैठकर, अंधेरे में बैठकर, आंसू बहाकर, प्रेज द लॉर्ड, दिल को टूटा हुआ दिल को परमेश्वर के सामने रखकर अपने पति, अपने बीवी, अपने मम्मी पापा, अपने बच्चे लोगों के लिए सब प्रार्थना किया होगा, मैं कहना चाहता हूँ खुलेआम परमेश्वर आने वाले दिन में उन चीजों को आशीष करके आपको देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम सर एक जन सोचते हैं अरे बाप रे ऐसा होगा क्या? होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है कि पानी के बारे में, क्या पियोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे पहनोगे, हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर आएंगे तो कैसे रहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर हमने बीज बोया नहीं है तो हम क्या खाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। हमारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कहता है प्रेज द लॉर्ड। हम नेक्स्ट चीज लिखा गया है कि अगर आप चाहो भी तो अपने शरीर में एक इंच भी बढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब ये है, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें अगर जो आशीष दिया है, अगर समझो हमारे पास 1000 रुपए परमेश्वर ने दिया है, हमारे हमारे गुणों के द्वारा, हमारे हमारे क्वालिटीज के द्वारा वो 1000 तो हम कभी 2000 नहीं कर सकते, ना ही वो 1000 को 500 कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है ना कि उस 1000 को 10,000, 1,00,000 या उससे भी ज्यादा अमाउंट करे, तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही 1 इंच कम या 1 इंच ज्यादा उसमें कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहे तो कभी भी उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स भी दिया है। बर्ड्स को देखो, ठीक है, नदी पानी में रहने वाले मछलियों को देखो, ठीक है, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनकी जरूरतों को कौन जाता है? इंसान डॉक्टर्स जानने से भी ज्यादा परमेश्वर जानता है। टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करते रहता है। जब वो शरीर गर्म होता है तो उसको पता है कि गर्मी हो रहा है, तो वो परमेश्वर उसके लिए काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब उसको कुछ भूख लग रहा है तो भूख लगते वक्त परमेश्वर काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जगह में परमेश्वर एक चीज कहता है, इस दुनिया चीजों के पीछे कभी भी नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड।
इस दुनियादारी जेंटाइल थिंग्स के पीछे आप जाओगे, मैं कहना चाहता हूं हमें कभी भी उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बट 33 में लिखा गया है, परमेश्वर के किंगडम का, परमेश्वर का राज्य का खोज करो और ये सब कुछ आपके साथ में जुड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सिचुएशन में हमें ये चीज समझना चाहिए कि दुनियादारी चीजों को देख के डरना नहीं है, बल्कि दुनियादारी चीजों को जब हम देख रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी वक्त में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं अनंत काल की जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसमें से कुछ भी मुझे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ भी ऐसा कुछ भी मेरे को लगना नहीं चाहिए कि परमेश्वर मैं आपके अगेंस्ट में जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान जो सबसे ज्यादा प्रार्थना करता है, जो सबसे ज्यादा पवित्र रहता है, जो सबसे ज्यादा परमेश्वर की आराधना करता है, गाना गाता है, प्रेयर में जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोगों को सबसे ज्यादा परमेश्वर शैतान पकड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस वक्त जब हमारे सामने ऐसा सवाल आ जाता है ना, तो हम इंसान है, हम टूट जाते हैं, हम कभी कभी गिर जाते हैं, हमारे सामने टेम्पटेशन आ जाते हैं, जैसे परमेश्वर के सामने आया था। उस टेम्पटेशन के बीच में खड़े रहने के लिए कौन शक्ति देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उस वचन में लिखा गया है, तुम 8वां वचन, 9वां वचन में जब देखोगे, उसमें लिखा गया है कि तुम इस दुनियादारी चीजों के लिए कुछ नहीं करोगे, सही समय आने पे तुम्हारे मुंह पे वचन मैं डाल के दूंगा। तुम्हें क्या बोलना है मैं बता के दूंगा, तुम्हें क्या करना है मैं बता के दूंगा, तुम्हें कैसे सोचना है मैं बता के दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब एक बात इतनी खुशी मिली तभी कि अब, क्योंकि यू नो हम कुछ भी करने जाए उसमें कभी भी हमको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने जाए, एक घर खरीदने जा रहे हैं, हमारे दिमाग में एक घर होता है, प्रेज द लॉर्ड, कि हमें घर ऐसा टाइप का होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम तरह तरह के घर देखते हैं, घर देखते हैं, घर देखते हैं, लेकिन हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम प्रार्थना करके, परमेश्वर आज मैं एक घर देखने जा रहा हूँ, आज मैं एक गाड़ी देखने जा रहा हूँ, आज मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, आज मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ, ये कारण परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करके उस विषय के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर एक इतना सुंदर सा घर हमारे आंखों के सामने लाके देता है। और कई बार हमने कई लोगों से सुना है कि और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा एक घर मिलेगा, कभी भी नहीं सोचा था ये वाला गाड़ी खरीद पाएंगे, कभी भी नहीं सोचा था इस कंपनी में काम करने मिलेगा, इस हॉस्पिटल में हमको काम करने मिलेगा, इस इंडस्ट्री में हमें काम करने मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे ऐसे जगहों में परमेश्वर परमेश्वर के लोगों को ला के खड़ा करता है। मैं कहना चाहता हूँ प्रेज द लॉर्ड, हम में से हर एक जन को परमेश्वर वैसा ही करेगा, लेकिन सबसे पहले अनंत काल के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें खोज करना है। दुनियादारी किसी भी चीज को सोच के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनियादारी अभी जो सिचुएशन है वो सब एक टेम्परेरी सिचुएशन है, परमानेंट नहीं है, आएगा जाएगा, ठीक है ना? आया है तो पक्का जाएगा, जैसे लिखा गया है कि अगर रात हुआ है तो दिन होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से दुख हुआ है तो सुकून मिलने का भी समय है। प्रेज द लॉर्ड। अगर अगर झगड़ा हुआ है तो उसे अंत होने का भी समय है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने बीज बोया है तो उस बीज को काटने का भी समय है। प्रेज द लॉर्ड। उसे सूखने का भी समय है, उसे आग में डालने का भी समय है, फिर रीबर्थ का भी समय है, हर एक चीज का एक समय है। और उस समय में परमेश्वर अपना कार्य दिखाने के लिए, हमारे जिंदगी में परमेश्वर आप अपना कार्य दिखाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हालेलुया। हम ना खाने पीने के लिए डरेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि यही तीन चीज हमारा मोस्ट कॉमन बेसिक थिंग्स है, रोटी कपड़ा और मकान। ये तीनों चीज में परमेश्वर ने अपना हाथ अगर हमारे ऊपर उंडेला है तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे एक भी आशीषों के ऊपर परमेश्वर हाथ नहीं रखने वाला है, हमारे एक भी इन्वेस्टमेंट्स में परमेश्वर अपना हाथ नहीं रखने वाला, शैतान अपना हाथ नहीं रखेगा, हर एक चीजों में परमेश्वर का हाथ रख के, परमेश्वर उसे सुरक्षित रख के, हमारे हर एक चीजों को परमेश्वर इंच बाय इंच, हालेलुया, डॉट बाय डॉट उसे संभालेगा और उसे संभाल के चलाएगा। इस लॉकडाउन के बीच में भी परेशान होके, टेंशन में
बैठे हुए हैं, लोगों को काम नहीं है, पैसा नहीं है, जितना सेविंग्स किया था सब खत्म हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में पूरा विश्वास के साथ में बैठिए कि परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोलने वाला है और उस दरवाजे के द्वारा मैं परमेश्वर का आशीष देखने वाला हूँ। जितने लोगों को खाना नहीं था, उस खाना नहीं होने के बीच में भी परमेश्वर ने उन लोगों के लिए खाना बनाया। कितने जनों को जॉब नहीं था, लेकिन इस लॉकडाउन के बीच में अनेकों को जॉब देने वाला मेरा परमेश्वर मुझे भी चलाएगा करके हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। भेड़ बकरियों को चलाने वाला मेरा परमेश्वर, परमेश्वर की आराधना करने वाले हर एक इंसान को उसी प्रकार से, उसी प्रेम से, उसी बिना रेसिज्म के, बिना किसी भेदभाव के अगर चला सकता है तो मेरा परमेश्वर, जो मैं परमेश्वर को पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में मेरे लिए एक चमत्कारी दरवाजा मेरा परमेश्वर खोलने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप में से हर एक जन को परमेश्वर आशीष जरूर 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 देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बट उसके लिए हमें विश्वास चाहिए, उसके लिए हमारे जिंदगी में एक अनंत काल का विश्वास कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे जिंदगी में कुछ भी गलत होता हो वो सही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कभी भी किसी भी चीज का भय होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस आशीष मिलने के लिए परमेश्वर क्या कहता है, जो हमारा राइट हैंड कर रहा है कभी भी लेफ्ट हैंड भी जानना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जो कुछ भी कर रहे सीक्रेटली करते हुए हम बैठेंगे ना, मैं कहना चाहता हूँ हमें हर एक दिन आशीष ये प्रेयर लाइन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, परमेश्वर की आराधना करने वाले आज जितने जन बैठ के घुटनों में बैठकर दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे परिवार को तू संभाल। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने हमारे परिवारों को संभाला है, तभी जाकर हम सस्टेन होके इधर खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी जगह में, अभी मैं कल का एक न्यूज में पढ़ रहा था, सबसे ज्यादा कोरोना का केसेस गुजरात और महाराष्ट्र में है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में कितने सारे पवित्र लोग भी रहते हैं, क्या उनमें से एक भी जन को परमेश्वर ने धोखा दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से हर एक जन को, अगर किसी हमारे जान पहचान के जितने लोगों को अगर कोरोना आया भी है तो उसमें से छुटकारा भी परमेश्वर ने दिलाया है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ हम में से हर एक जन को इसी प्रकार से परमेश्वर बढ़ाते रहेगा। विशेष प्रार्थना करते रहना है इंडिया के लिए। फिर से लॉकडाउन यहाँ पे इनिशिएट किया गया है, दुकानों को बंद किया गया है और आने जाने में तकलीफ किया गया है, हर जगह पे पुलिस चेकिंग शुरू किया गया है, काम करने नहीं हो रहा है लोगों का सब कुछ। यहाँ पे मैं कल के दिन में हॉस्पिटल जाके जब आ रहा था, मैंने देखा कि रिक्शा वाले जो सवारियों को लेके जा, पैसेंजर्स को लेके जा रहे थे, उन सारे रिक्शाओं को रिक्शा स्टैंड से उठाकर पुलिस स्टेशन के अंदर लेके गए, सारे विथ पैसेंजर्स के साथ में, पैसेंजर्स के साथ में सारे रिक्शा वालों को पुलिस स्टेशन में डाल के उनसे फाइन भराया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उन लोग का, उनके पास और कोई चारा नहीं है, ऐसे लोगों जिनके पास और कोई चारा नहीं है काम करने के लिए, और इंडिया में सब लोग आजकल क्या किया है, ये कर नहीं पा रहे, इसके लिए सब लोग ने भाजी का बिजनेस, वेजिटेबल्स बेचने का बिजनेस शुरू किया है। तो उन सभी लोगों को जिसके पास कोई और चारा नहीं था, कुछ और चारा शुरू करके ऐसे एक ऑप्शन उन लोग के हाथ में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों को परमेश्वर चलाने के लिए आप सब विशेष प्रार्थना करना, भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच में परमेश्वर का पवित्र हाथ हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें चला रहा है, हमें विश्वास है परमेश्वर हम सभी को आशीष दे रहा है। प्रार्थना के साथ में मैं वचन बंद करना चाहूंगा। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ने लिया, हमें हर एक जन को आपके चरणों में आके बैठ कर आराधना करने के लिए तूने मौका दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सोच भी नहीं सकते उस प्रकार से तूने चलाया परमेश्वर ने लिया। हॉस्पिटल सेक्टर्स में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ परमेश्वर ने लिया, हर एक जन को हम तेरे हाथ में देते हैं। लैब में काम करने वाले लोगों को, फार्मेसी लोगों को परमेश्वर, इधर उधर जानने वाले लोगों को परमेश्वर, जिन लोगों का काम रुका पड़ा है उन लोगों को परमेश्वर, प्रॉपर्टी के काम करने
वाले, परमेश्वर स्टेट का काम करने वाले, प्रेजल और हालेलुया पास्टर्स लोगों को, चर्चेस को, विश्वासियों को, परमेश्वर हर एक जन को हम तेरे हाथ में देते हैं। अपनी इस बीमारी से हमें दूर रखना परमेश्वर, इस बीमारी के बीच में अपने परमेश्वर हालेलुया पवित्र लहू हमें से हर एक के शरीर के ऊपर तू लगाने के लिए, ताकि परमेश्वर सैतानी कार्य एक भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने के लिए बोलना परमेश्वर। हमारे अंदर के टेंशन को तू जानता है परमेश्वर, हमारा फैमिली, हमारा परमेश्वर हालेलुया लुक आफ्टर, हमें आगे क्या करना, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कुछ जाने वाला मेरे परमेश्वर हालेलुया। हमारे कुछ भी गलत होने के लिए परमेश्वर तू मौका नहीं देगा तेरे के विश्वास के लिए। जैसे बाइबल में लिखा गया भयभीत होने की जरूरत नहीं है, उसी तरह से हमारे अंदर का जो भयभीत है, हमारे अंदर का जो वरीस है, परमेश्वर तू निकाल के फेंक दे। आने वाले दिनों में परमेश्वर एक आशीष का किरण हमारे जिंदगी में दिखने के लिए परमेश्वर तू सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना परमेश्वर हालेलुया। आज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आज के ट्रबल्स को हम तेरे हाथ में देते हैं, आज के टेंशन को हम तेरे हाथ में देते हैं परमेश्वर। सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर आने वाले दिनों में आशीषित कार्य दिखाएगा, हर एक चर्चेस में दिखाएगा, हर एक विश्वासियों की जिंदगी में दिखाएगा, हर एक लोगों की जिंदगी में दिखाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जाति जाति के लोग ये बोलने पाए कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, इसके सिवा और कोई भी परमेश्वर नहीं है जो परमेश्वर रक्षक ही और मुझे लेके जा सकता है। अपने हरेक जन ने प्रार्थना किया, हमें से हरेक जन जो आके बैठा है उन सभी को तो आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीष के धन्यवाद देते हैं इसी प्रार्थना विनती के साथ यीशु मसीह के नाम में, आमेन।